मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DC Academy में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के प्रश्नावली 2.3 के बारे में, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 2.1, 2.2 हो गए थे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के बारे में। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से, यानी कि जो दिया हुआ है नीचे, px को gx से भाग करना है, डिवाइड करना है, और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, यानी कि क्वोशेंट और रिमाइंडर आपको फाइंड करने हैं। तो क्वोशेंट रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जो यूज़ करना है नियम, वो है विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम का नियम कैसे होता है, देखिए सॉल्यूशन में हम करते क्या हैं कि हम x³ - 3x² + 5x - 3 को ऐसे रखते हैं और x² - 2 से हमको अब क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने का जो सिस्टम क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, x³, यानी x³ है, और यहाँ पर x²। जो साइन यहाँ पर है आपका प्लस का x² और यहाँ पर भी प्लस x³ है, तो हमारा जो यहाँ पर यहाँ जो भाग करेंगे वो होगा आपका x प्लस में ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए x² है, तो हमें ज़रूरत है केवल x की। x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, x² को x करेंगे तो x³ हो जाएगा, और फिर 2 को x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। तो आप 2x जो है हमारा इसके नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि ये 5x है और 2x भी इसी जैसा है, यानी कि समान चर हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, -2 को जब x करेंगे तो यहाँ पर प्लस का है, तो 2 को x करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये जो जगह है आपको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करते हैं, हमेशा इनको घटाने पर, तो यहाँ पर क्या था, प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हमारा क्या जाता है, कैंसिल हो जाता है, x³ प्लस का और ये माइनस से कैंसिल हो जाता है। यहाँ बच गया माइनस का 3x², और ये देखिए प्लस का 5x और ये 2x, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x, और ये माइनस का 3 यहाँ से नोट हो गया। यानी अब हमारा ये सवाल ना होकर कि अब ये एक नया सवाल हो गया तो आपके सामने। अब फिर वही काम करें, देखिए यहाँ पर माइनस है तो हमको यहाँ माइनस ही लगाना है। अब x² को x² लाना है तो -3 की ज़रूरत है, तो 3 को x से करेंगे माइनस का 3x² हो जाएगा, फिर -3 को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3×2 = 6x, 3×2 केवल 6 होगा, ठीक। और इस +6 को हमको फिर यहाँ लिखना होगा इसके नीचे। अब देखिए घटाने पर, तो ये माइनस वाला था, अब क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा कैंसिल। तो आपका यहाँ से बचेगा 7x, और ये माइनस का 6 माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 9। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x² है और यहाँ पर आ गया केवल x। तो अब ये जो है आपका डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, यानी कि इसको हम लिखेंगे रिमाइंडर r, और इसको लिखेंगे कोसेंट q। तो इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार qx = क्या है, x माइनस का 3, और rx = 7x - 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जिसको हम कहेंगे ये भागफल और ये शेषफल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है px = x⁴ - 3x² + 4x + 5, और gx लिखा है x² + x - x। तो इसको अगर हमें डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले लिख लेंगे px को x² - 3x⁴ - 3x² + 4x + 5, और gx को लिख लेंगे यहाँ पर x² + 1 - x। अब करना होगा डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, x⁴ है, यहाँ x⁴ है, यहाँ पर प्लस है, तो हम प्लस x² से मल्टीपल करेंगे। तो x² को जब x² से मल्टीपल करते हैं तो x² क्या आता है, 4। फिर देखिए इस x² का 1 से होगा तो प्लस का x² हो जाएगा, और इस x² का x होगा तो ये माइनस का x³ हो जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कोई x³ का टर्म नहीं है, कोई बात नहीं। अब घटाने पर ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, और ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये हो गया कैंसिल। आप देख सकते हैं कि -3x², ये -x² माइनस का 4x² हो जाएगा, ये प्लस का x³ प्लस 4x + 5। तो हम क्या करेंगे, अब हम चाहें तो इसको हम पहले सकते हैं x³ बड़ी घात है तो, फिर माइनस का 4x², उसके बाद फिर 4x + 5। अब हम क्या करेंगे, अब प्लस x से मल्टीपल करेंगे, x² है, यहाँ पर x है, क्योंकि यहाँ पर x³ लाना था, तो x² को x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³। फिर x को 1 करेंगे तो हो जाएगा x, और फिर एक्स को माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 4 में से एक्स स्क्वायर प्लस का चला जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा और यहाँ से बचेगा प्लस का 3x क्योंकि 4x में से x घटेगा, प्लस का 5। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 3 है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर है तो केवल जरूरत है माइनस 3 की। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 3 हो गया एक्स स्क्वायर, फिर 3 × 1 = 3 हो गया माइनस का 3, फिर 3 को करेंगे माइनस एक्स से तो माइनस माइनस प्लस का 3x। अब घटाने पे ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल और ये 538। तो इस प्रकार से ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया आपका कोसेंट। तो हम लिखेंगे अतः क्यू एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3 और आर एक्स इजकल टू 8। तो ये आपके दोनों जो है आंसर आ गए। तो अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से होना है। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पी एक्स की वैल्यू दी हुई है और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस 6 यहाँ लिख लेंगे और 2 माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि इस चीज़ करना है मल्टीपल। तो हम करते क्या हैं कि ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे या माइनस स्क्वायर प्लस का 2। तो हम माइनस स्क्वायर प्लस 2 से करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो हमको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा मल्टीपल। तो देखिए एक्स स्क्वायर, आइए माइनस स्क्वायर प्लस का एक्स पावर 4, फिर 2 को करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया और ये बच गया आपका। अब हम क्या करते हैं घटाने पर, तो ये क्या होते हैं चिन्ह, यहाँ की चिन्हों जो साइन होती है बदल जाते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ये क्या होगा कैंसिल हो गया और 5 और ये 2 प्लस का है ये माइनस का है तो यहाँ चूँकि घटेगा ही नहीं क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है ये केवल एक्स है तो हम पहले लिख देंगे 2x स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस का 5x और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 6, ये हमारा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस स्क्वायर है तो हमें माइनस की 2 की आवश्यकता है क्योंकि माइनस 2 मिलेगा और माइनस से मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर। तो हम वही काम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर 2 × 2 = 4 लेकिन माइनस का 4। अब हम चिन्ह बदलेंगे घटाने पर, माइनस प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा माइनस का 5x और ये देखिए 6 और ये 4 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे qx = माइनस स्क्वायर माइनस का 2 और rx = माइनस का 5x प्लस का 10। तो इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 के ये तीनों पार्ट्स जो हैं समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।